नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ममता पांचा। यू आर वॉचिंग माई चैनल यस्ट योगा। टुडे वी विल डू सूर्य नमस्कार स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको स्पाइन को, जब आप नीचे आते हैं तो स्पाइन को राउंड नहीं करना है, आपको स्पाइन को स्ट्रेट करते ही हम अश्व संचालन इसमें आप एग का और नहीं, आपका ये एक ही लेवल में होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप दंडासन में आते हैं तो इस तरह अपने टो पर आइए, नेक को ऊपर उठाइए जमीन से और लेग पीछे निकल जाइए। ये आपका दंडासन पोज है, इसको चतुरंगा और संतुलन आसन भी आप बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको रिस्ट या आपकी रिस्ट और शोल्डर एक ही लेवल में होते हैं, आपके हिप और शोल्डर एक लेवल में होते हैं और नेक आपकी स्पाइन के लेवल में होती है। इस तरह से पोज बनता है। जब आप अष्टांग भवन में आते हैं तो एक्सहेल करते हुए पहले आपको नी को रखना है और एल्बो बेंड करते हुए इस तरह से जाना है। जब आपके ऊपर आएंगे भुजंगासन में आने के लिए नहीं, भुजंगासन में आपका एल्बो बेंड रहेंगे और लेग पीछे से थोड़े से ऊपर रहते हैं। लेग पर जाते हैं एंकल से बिल्कुल ऊपर आते हैं। फिर आप इस तरह से ऊपर आइए, एक्सेल करते रहिए। अश्वान आसन संचालन, इसलिए जो लेग आप पीछे लेकर रहते हैं उसी को वापस आगे लेकर आना है। जब आप पादहस्तासन में आना है तो इस तरह से आप लेग को ऊपर उठाएंगे और पादहस्तासन सूर्य नमस्कार का एकदम कंप्लीटेड। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जॉइन मी विद माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।